इमरान खान साहब जेल च ने, कैद च ने, ते ना हेल भी उन्हां नूं कर दित्ता है। की लगता दोबारा वजीर आजम बनोगे? देखो जी, जिनी देर तक उन्होंने वजीर आजम नहीं ना बनना, उन्नी देर साडे मुल्क दी शांति नहीं हो सकती। अच्छा जी, फुल सपोर्ट? हाँ जी, जिहड़ा इमरान खान नूं सपोर्ट करदा उन्नू चुक लैंदे ने। चुक लैण कोई ऐसी गल नहीं, छड्ड देणगे फिर आपे। किन्नेयां नूं चुक लैणगे? कोई वजनी विच आ जाएगा ऐसा जिहड़ा नहीं चुक होएगा। नहीं यार, अपने ही तुसीं कह रहे हो यानी। तुसीं दस्स दिओ मैं नहीं चुको जिहड़े मेरे तों वड्डे वड्डे वजनी ने। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह कप्तान बाहर आएगा। वाह वाह, इमरान खान जो है वो इस वक्त जेल में है और नाहल भी उनको किया हुआ है, क्या वो दोबारा वजीर आजम बन सकेंगे? हाँ। बन जाएंगे? लाइक करते हो इमरान खान को? क्यों? मामा पापा भी करते हैं। अच्छा, मामा पापा करते हैं इसलिए आप भी उनको करते हो। किफायत भाई, मुल्क के हालात बड़े खराब है, इमरान खान साहब इस वक्त कैद में है, नाहल भी उनको किया हुआ है, क्या लगता है वो दोबारा वजीर आजम बन पाएंगे? इंशाल्लाह फुल सपोर्ट है इमरान खान की, पूरा। लेकिन आपको पता है जो इमरान खान के हक में बोलता है उसको उठा लेते हैं? उठाने दो, कितनों को उठाएंगे? हाँ हाँ हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई डर खौफ नहीं, नहीं, मरना तो है ना एक दिन बस। वाह वाह वाह, क्या इमरान खान साहब इस वक्त कैद में है और वो उनको नाअहल भी किया हुआ है, क्या वो दोबारा वजीर आजम बन पाएंगे? जी। आप सपोर्ट करती हो इमरान खान को? जी। इमरान खान अच्छे लगते हैं? क्यों? बस वो अच्छे हैं। बस वो अच्छे हैं, अच्छे लीडर। राणा साहब, मुल्क के हालात बड़े खराब हो गए, मरदे क्यों नहीं, गड्डियां थले क्यों नहीं जाते, कौन कर रहे हैं जान के? साडे जिहड़े आवामी है, सदर साहब ने, और कौन है? सदर कौन है इस टाइम? पता नहीं केड़ा, मेरा नाम नहीं आता है। और जिहड़ी पहली ओ सी, ओ खा चट के बाहर बैठे जाके कहिंदे जी असीं पाकिस्तान बचा के आए, महंगाई दे कंट्रोल कीता, मन मेरे को छिद्र होए ते ला ला इहनां दे सिरा च मार। कौन इक कौन कहिंदा? नवाज जी, शिवाज जी बाहर बैठे सी, कहिंदे खबरां च सुणो ते सही, पाकिस्तान बचा के आए हैं। की बचा के? अच्छा ए दसो, इमरान खान साहब इस वक्त ना कैद च वा, ते उन्होंने ना अहल भी किया, की वो दोबारा वजीर आजम बन पाऊंगे? अगर बन जाए तो मैं कहना इन्होंने बेहतर सी कारोबार तो चलाते सी ना, कारोबार तो बंद नहीं हो चुका ना, कोई बंदा रोंदा मैं नहीं वेखिया, हसते ही वेखे सी। लेकिन इन्हें तो हर बंदा हर बुढ़ी रुआ छी, बच्चे तक रुआ थे, लोगों बिल इदा भेजी जाते, फिर कल वधाता 10 रुपये, आज चीनी फिर वधाती 250 रुपया हो गई है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਏ ਚਲੇ, ਵਾਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੈਦ ਮੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਅਹਲ ਵੀ ਉਨਕੋ ਕੀਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੇਗੇ। ਬਣੇਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ? नहीं। जो जो पीटीआई को सपोर्ट करता है उसे उठा के ले जाते हैं? नहीं ले जाते, झूठ ही है। झूठ है? यस। अच्छा ये बताओ, इमरान खान साहब अगर देख रहे हैं तो क्या मैसेज दोगे उनको? कीड़ा मैसेज है बताइए, मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, क्या लगता है इमरान खान साहब इस वक्त कैद में है और नाहल भी उनको किया हुआ है, क्या लगता है वो दोबारा वजीर आजम बनेंगे? इंशाल्लाह बनाएंगे उसको दोबारा वजीर आजम। कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, कौन बनाएगी उसको? पहले क्या वजीर आजम कौन बनाती है जी? बड़ी बारीक बात है ये, क्यों नहीं बनाते? सब वोट दे के तो उसको वजीर आजम बनाते। तो इसका मतलब है जो वोट दिए जाते हैं वो ही वजीर आजम बनते हैं जी? अरे वाह, वही बनता है। यार ये बताइए, इमरान खान साहब इस वक्त नाअहल हैं और कैद में भी हैं, क्या लगता है क्या वो दोबारा वजीर आजम बनेंगे? उनको बनना नहीं चाहिए, उनकी वजह से सारा ये दारोमदार हुआ है, नौजवान लड़कियां घर से बाहर आ गई हैं और बहुत ज्यादती की गई है इन लोगों के साथ, बहुत नशा इसने आम किया है, हर आवाम को इसने नशेई बना दिया है। आवाम को नशेई बना दिया है? जरा वो तो मजा आ रहा है। अच्छा, मुल्क के हालात बड़े खराब हैं, इमरान खान साहब इस वक्त कैद में है और नाअहल भी उनको किया हुआ है, क्या लगता है वो दोबारा मुल्क के वजीर आजम बनेंगे? देखते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं और दुनिया भी लगी हुई है, कोशिश उनकी कर रही है कि इमरान खान साहब बाहर आए हैं। देखते हैं, मुल्क के हालात तो वैसे ही, वो पहले भी वो खराब थे, अभी वो खराब हैं, हर चीज़ में महंगी हुई पड़ी है। तुम क्या चाहते हो, इमरान खान दोबारा वजीर आजम बने? अगर वो अच्छी जगह पे मतलब अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर तो ज़रूर आए वो, अगर वो नवाज शरीफ वाला साहब ही कर रहे हैं तो फिर बेशक ना आए। नवाज शरीफ वाला साहब क्या था? वो तो सब जो हुक्मरान होते हैं वो सब इस तरह ही खा पी जाते हैं, हुकूमत को आवाम को कुछ भी नहीं देते हैं, सारा कुछ तो खुद ही खा जाते हैं। सैफ ये बताओ, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, इमरान खान साहब इस वक्त कैद में है, नाअहल भी उनको किया हुआ है, क्या लगता है वो दोबारा वजीर आजम बनेंगे? जी 100%।
100% पूरा यकीन है वोट आपका बना हुआ है? नहीं। तो कब बनवाना है वोट? बस अभी 17 साल है, अगले साल में। अच्छा तो इमरान खान के हक में जो बोलता है उसको उठा के ले जाते हैं, कोई डर खौफ नहीं? नहीं, फिर क्या है इसमें, बंदे जाते हैं जेल में। जेल का कोई डर नहीं? नहीं, जेल में तो कहते हैं बड़ा अंधेरा होता है, ना बाहर जा सकते हो, और दाल मिलती है खाने को, रंग शंग सारे उड़ जाना होते। फिर क्या है, कुछ नहीं होता, वो भी गया ही है। इमरान खान के लिए जेल जाने को तैयार हो? अरे वाह वाह वाह, क्या बात। इमरान खान अगर आपको इस वक्त देख रहा हो तो क्या मैसेज देना चाहोगे उसे? लव यू। लव यू खान, अरे वाह क्या बात। मुल्की हालात बड़े खराब हो गए हैं, क्या लगता है इमरान खान साहब इस वक्त कैद में हैं और नाअहल भी उनको किया हुआ है, क्या लगता है वो दोबारा वजीर आजम बन पाएंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बनेंगे। आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? इंशाल्लाह, वो जब उनको रिहाई मिल जाएंगे इंशाल्लाह, वो आवाम उनके साथ है। लेकिन इमरान खान को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आजकल इमरान खान के हक में जो भी बात कर रहा है उसको उठा लेते हैं या वो बंदा गायब हो जाता है? वो बस वो उनका इशू बन गया ना, जो 9 मई का इस करके वो थोड़ा सा उनके हो गया मसला। क्या ख्याल है, इमरान खान साहब कैद में है, ना अहल भी कर दिया गया उनको, दोबारा वजीर आजम बन सकेंगे वो? वो इंशाल्लाह बनेंगे वजीर आजम, हमारी तो कोशिश है, पर वजीर आजम इमरान खान बहुत अच्छे हैं। इमरान खान साहब मुल्क के हालात ठीक कर देंगे? कर देंगे, पहले तो ठीक थे उसके लिए। तो यार जो हमें पता है उसके में हमें किसी चीज की टेंशन नहीं थी, हर चीज सस्ती थी, हर चीज मकसद है, हर किसी को, हर जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं इमरान खान को सपोर्ट करें। मैं लेकिन उसके दौर में एक दो रुपए भी बढ़ते थे तो बड़ा शोर मचता था, बड़ी महंगाई होगी। अब तो 60-60 रुपए भी बढ़ रहे हैं लेकिन दुनिया चुप है। बस वैसे उन दुनिया को क्या कहें हम, दुनिया हर बंदा अपनी फेवरेट में रहता है, जो किसी का मकसद है होता है ना, जो खाने पीने वाले होते हैं हर किसी की अपनी सपोर्ट एमएनए को करते हैं, हर कोई अपने एमएनए को करते हैं, हमारा एमएनए को हमने नहीं देखना, ठीक है ना, हमने इमरान खान को सपोर्ट करनी है। अरे वाह, ये इमरान खान साहब के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो दोबारा वजीर आजम आएंगे? दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, दोबारा आएंगे। तो अभी तो उनको कैद किया हुआ है और वो नाअहल भी है जी, इंशाल्लाह जो भी करे ना वो दोबारा आएगा, आएगा हमें, और वजीर आजम भी बनेंगे, बनेगा इंशाल्लाह, और मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे जी, हो जाएंगे इंशाल्लाह, हो जाएंगे। इस बार कितना बिल आया आपको? इस बार हमारा 25,000 आया, और पिछले आज से 5 महीने पहले जाए तो कितना बिल आता था? पहले 800-900 हजार। इतना फर्क जी, 25,000 बिल आ गया जी, और किस तरह आपने वो अदा किया? बस क्या करें, तो गुर्दा तो नहीं बेचता? नहीं, मजदूरी की है और दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो दोबारा वजीर आजम बन पाएंगे? बस अल्लाह करे ना आवे, ना आवे। आप इमरान खान को चाहते हैं कि वो आए ही ना? ना आए। ये मुल्क के जो हालात हैं इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हैं जो वजीर आजम है वही है इस वक्त के, जो वजीर, उनका नाम क्या है इस वक्त जो वजीर आजम? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ नहीं है इस वक्त, वो छोड़ गया। इस वक्त निगरान वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़ साहब, इस वक्त वजीर आजम है। कौन है काकड़? इमरान खान साहब इस वक्त कैद में है, नाअहल भी हो गए हैं, बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त उनपे। क्या लगता है दोबारा क्या वो वजीर आजम बन पाएंगे? इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, बन सकते हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता बन पाए दोबारा। आपको लगता है कि अब उनका उनका के खेल खत्म हो गया? हाँ, मुझे यही लगता है, अब उनका खेल खत्म हो गया, दोबारा नहीं आ सकते इमरान खान। अब पाकिस्तान के हालात भी बड़े खराब हुए हैं, ये बताओ क्या लगता है इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन पाएंगे? क्या पता, देखें आ जाए तो फिर भी कोई अच्छी बात। आपका दिल चाहता है कि इमरान खान वापस आए? हमारा दिल तो करता है भाई इमरान खान आ जाए, आ जाए। मुल्क के हालात बड़े खराब हैं जैसे ही है ना, और इसको देख के लग भी रहा है। तो इतने खराब हालात हैं, इमरान खान साहब इस वक्त कैद में हैं और उन नाअहल भी किया हुआ है, क्या लगता है वो दोबारा वजीर आजम बनेंगे? इंशाल्लाह। आप सपोर्ट करते हैं इमरान खान? हाँ जी, पीटीआई ने फुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जो पीटीआई को सपोर्ट करता है उसको उठा के ले जाते हैं? नहीं 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 नहीं, हम नहीं करना सपोर्ट, करना भी कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। सर ये बताइए, मुल्क के हालात बड़े खराब हो गए हैं, इमरान खान साहब इस वक्त कैद में हैं, नाअहल भी उनको किया हुआ है, क्या लगता है वो दोबारा आएंगे, क्या वो दोबारा वजीर आजम बन पाएंगे? नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो वो बाहर ही नहीं आ पाएगा या खत्म ही हो जाएगा वहीं पे। और अभी जो चांस हालात जो नजर आ रहे हैं वो ये नजर आ रहे हैं कि हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह एस्टैब्लिशमेंट है वो कंट्रोल कर लेगी हालात। अच्छा, तो आपको एस्टैब्लिशमेंट पे पूरी तवक्को है? सियासी पे किसी पे नहीं है।
इमरान खान साहब से तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं, नहीं वो असल में जो था वो खत्म हो गया, वो जिसको खत्म कर दिया वो खत्म हो गया, वो चला गया और अब वो दोबारा वजीर आजम नहीं बनेगा। मुझे लगता है मैंने भी नहीं बनेगा।